मक्का की फसल में मोथा एक बहुत ही हानिकारक घास है। इसका जब प्रकोप हो जाता है तो मक्का की फसल पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। आप यहाँ पे देखिए कि इस मक्का की फसल में मोथा का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है। इस अवस्था में किसान क्या करे? इस अवस्था में अगर किसान सोचता है कि मैं निराई गुड़ाई से इसका नियंत्रण कर लूँगा, तो क्या होता है कि जो ये मोथा होता है इसके जड़ों में गांठें होती हैं। ये गांठें निराई गुड़ाई करने से अगली फसल, जब अगली बार आप मक्का की फसल लगाएंगे, तो उसमें दोगुना तरीके से उसका प्रकोप हो जाएगा। इसके नियंत्रण के लिए रासायनिक विधियाँ हैं कि पहला जो हर्बिसाइड है वो है टेम्पोट्राइन, जो कि लॉरिस के नाम से बाज़ार में मिलता है, और इसका प्रयोग 115 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। एक एकड़ के लिए 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो जो ये दवा है इसको आप 200 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो टेम्पोट्राइन का जो मोथा पे इफ़ेक्ट आता है वह 5 से 7 दिन के अवस्था में आता है, और उस समय क्या होता है कि जो मोथा होता है वह पूरी तरीके से हरी अवस्था से बदल के पूरा सफ़ेद पड़ जाता है, और इस तरीके से इसका नियंत्रण होता है। लेकिन जब टेम्पोट्राइन का जब स्प्रे करते हैं तो आप जब उसकी जड़ को उखाड़ के देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो गांठ होती है वह वैसी की वैसी अवस्था में बनी रहती है। अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो आप यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर टेम्पोट्राइन का स्प्रे किया है तो ये इस तरीके से सफ़ेद हो जाती है, लेकिन जो ये गांठें हैं, जो जड़ों की गांठें हैं, ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती है। तो इसका नियंत्रण करने के लिए इसका एक और विकल्प है जो बहुत ही अच्छा विकल्प है, और वो है हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल। यह दवा सांप्रा के नाम से या एलान के नाम से बाज़ार में मिलती है, और एक एकड़ के लिए 36 ग्राम काफ़ी होती है, और ये बाज़ार में भी 36 ग्राम के पैकेट में मिलती है। इसका स्प्रे करने के लिए 200 लीटर एक एकड़ में पानी की आवश्यकता होती है, तो 36 ग्राम की जो दवा है जो दाने के फॉर्म में आती है उसको आप पानी में अच्छी तरीके से घोल के और उसका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते समय एक बात की आवश्यकता ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि आप जो भी स्प्रेयर इस्तेमाल करते हैं वह फ्लैट फिन नोज़ल का इस्तेमाल करें। फ्लैट फिन नोज़ल से क्या होता है कि जितना भी पौधा होता है और जो साइप्रस होता है, मोथा जिसको इंग्लिश में साइप्रस बॉटनिकल नेम से जाना जाता है, ये पूरी तरीके से भीग जाता है। इसका जो दवाई का इफ़ेक्ट होता है वह 15 दिन के पश्चात आता है, और इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो मोथा होता है वह पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है, और जब आप उसको उखाड़ के देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर की पूरी जो जड़ें होती हैं वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। दवा का इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखें कि जो मोथा होता है उसमें 3 से 4 पत्तियां होती हैं। अगर आप इस मोथा को देखें तो इसमें फूल की अवस्था आ चुकी है। इस अवस्था पे आप दवाई का इस्तेमाल ना करें, यह बिल्कुल कारगर नहीं होगी। तो इसका स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि जो मक्का है उसके अंदर 5 से 6 पत्तियाँ, और अगर मोथा है तो उसमें 3 से 4 पत्तियाँ ही होनी चाहिए, तभी यह दवा असर करेगी। तो हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल मोथा के लिए एक इफ़ेक्टिव हर्बिसाइड है जो पूरी तरीके से उसको जड़ों से नष्ट कर देता है।